Press the subscribe button and hit the bell icon for more Bollywood updates. अक्षय कुमार की फिल्म गोल्ड जो कि 15 अगस्त पे सिनेमाघरों में रिलीज हो गई थी, दोस्तों ये काफ़ी लोगों को पसंद आई है। अब ऐसे में आपको बता दें कि इसको डायरेक्ट किया है रीमा कागजी ने और प्रोड्यूस किया है फरहान अख्तर ने। और दोस्तों इस फिल्म के क्या कहने, आपको बता दें कि अक्षय कुमार को ऑफिशियली भारत कुमार का दर्जा दे दिया गया इस फिल्म के बाद। आपको बता दें इसका बहुत ज़्यादा त्यौहार सा मना दिया गया, एक गोल्ड डे मना दिया गया 15 अगस्त पे। दोस्तों आपको बता दें इसने अपने पहले दिन की कमाई की थी 25.25 करोड़ रुपए और ये काफ़ी बड़ा अमाउंट है अक्षय कुमार की फिल्म के लिए। अक्षय कुमार की अब तक की कोई सी फिल्म 150 करोड़ तक की कमाई नहीं कर पाई है, लेकिन इस बार ऐसा उम्मीद किया जा रहा है कि ये फिल्म 150 से 200 करोड़ का आंकड़ा भी पार कर जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 7th डे कलेक्शन की, क्योंकि आज उस फिल्म को 7 डे हो चुके हैं। आपको बता दें कि छठे दिन तक इसका कलेक्शन कम से कम 80 करोड़ के पार जा चुका है। अब आपको बता दें कि दोस्तों अब जल्द ही ये 100 करोड़ का आंकड़ा बस 2 दिनों में ही पार कर लेगी। आज कम से कम ये अपने 7 से 8 करोड़ रुपए की कमाई कर लेगी। दोस्तों आज ट्यूसडे है और वर्किंग डे है, तो कोई छुट्टी का टाइम नहीं है, तो इसी वजह से कम ही लोग फिल्मों को देखने आ पाते हैं। दोस्तों 7वें दिन ये कम से कम 7 से 8 करोड़ रुपए की कमाई कर लेगी। अब आपका क्या कहना है, 7वें दिन ये कितना कमा सकती है और क्या जल्द से जल्द ये 150 करोड़ पहुंच पाएगी या फिर नहीं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। सब्सक्राइब करिए बॉलीवुड जंक्शन को ताकि आपको मिले बॉलीवुड की खबर सबसे पहले।